आगरा इतमादौला क्षेत्र में बर्फ बनाने वाली गर्ग आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गैस का रिसाव इतना तेज था कि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन होने लगी व सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इससे घबराकर लोग अपने घरों से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। जिस समय अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था, फैक्ट्री में मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन रिसाव होते ही फैक्ट्री संचालक कर्मचारियों को छोड़कर मौके से भाग गया। अमोनिया गैस रिसाव की सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर दौड़ लगा दी। सबसे पहली टीम ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला व करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने मशीन के सभी वॉल्व को बंद करके पानी के तेज प्रेशर डालकर गैस पर काबू पा लिया। रिसाव के बंद होने पर क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृष्ण सिंह के आदेश पर पुलिस ने आइस फैक्ट्री को सील कर दिया व आगे की कार्यवाही को अमल में लाने के आदेश अपने अधीनस्थों को दे दिए हैं। एक क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा नाम है। बताइए क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई है, यहाँ एक गर्ग आइस फैक्ट्री है, यहाँ पे आइस बनती है। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, इस बार बहुत भयानक हुआ है। ये यहाँ पे लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, इनके पास कोई भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसे रोक सके। ये पहले भी ऐसे ही सील टूटी है इनकी, इस बार तो बहुत अत्यंत हुई है जिससे हम लोग सांस भी ले पा रहे हैं। अभी 2-3 महीने की बात पहले की पहली बात है, इससे पहले हो चुका है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सांस ले पाए तो यहाँ से भागे हैं, इसलिए हम बच पाए थे। और आज भी ऐसी कंडीशन हुई है कि जब आके ये आप देख रहे हैं कितनी आपदा होगी, लोग परेशान हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे। इस समय मालिक कहाँ है इस फैक्ट्री का? इसका कोई नहीं है, भाग गया, भाग गया। जो काम करने वाले सब भाग गए, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तक किसी को भी परेशानी तो नहीं हुई ना? बहुत परेशानी हुई है, केवल केवल सांस लेने में। बेहोश हो गए बच्चे, बेहोश पड़े हैं, बड़े भेजे हॉस्पिटल में। आपको कौन सा हॉस्पिटल बेहोश पड़े हैं? कोयल में है बच्चे, ठीक। अब अपने घर भेजे उन्हें, अपने पुलिस मौके पर आ चुकी है, कार्रवाई हो रही है, ठीक है जी, कार्रवाई हो चुकी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।